जो कानून मर गए वो कितने शानदार थे और कितने पॉपुलर थे, ये कहते हुए रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट लिखी है उन तीन सज्जनों ने जो पहले दिन से इन कानूनों के पैरोकार रहे और जिन तीन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरी बना दिया था। काम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जाइए सुनिए किसानों की शिकायत क्या है, हमें आके बताइए। शिकायत किसकी थी? जो सड़क पे खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे मिले। जी नहीं, 450 संगठन से ज्यादा जो इस आंदोलन में थे शामिल और इन तीन कानूनों का विरोध कर रहे थे, उनमें से एक ने भी इस कमेटी से बात नहीं की। तो क्या ये लोग जाके किसानों से मिले जो सड़क पे बैठे हुए थे? नहीं। क्या देश में किसानों का कोई सर्वे करवाया? नहीं। किससे बात की? उन 73 संगठनों से जिन्हें कोई शिकायत थी ही नहीं इन आंदोलन में, जिन्हें इन कानूनों से कोई शिकायत ही नहीं थी, जो खुश थे, उनसे बात करके कमेटी ने कहा सब चंगा सी। 19,000 लोगों से कंप्यूटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक मंगवाया, जिसमें से किसान सिर्फ 5,000 थे और उनकी बात सुन के कहते हैं सब चंगा सी। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। साजिश ये है कि इस बहाने माहौल बनाया जाए कि इन कानूनों को वापस लाना होगा, और कमेटी वो रिकमेंडेशन देती है जो किसी ने पूछी नहीं थी। कमेटी एमएसपी पे रिकमेंडेशन देती है और कहती है कि आज जरूरत से ज्यादा खरीद हो रही है गेहूं और धान की, इसको कम कीजिए। कहती है पीडीएस की दुकानों पे राशन देने की जरूरत नहीं, कैश ट्रांसफर कीजिए। मतलब ये खतरे की घंटी है, एमएसपी और राशन की व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए आप समझ गए क्यों संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी को बायकॉट करने की घोषणा की थी और क्यों एमएसपी के सवाल पर देश भर में हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं।